भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद CCIM नई दिल्ली के सदस्य पद के लिए जिले भर के आयुर्वेदिक और यूनानी प्राइवेट व सरकारी डॉक्टरों द्वारा मतदान किया जा रहा है। इस चुनाव में कुल 6 सदस्य पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। इन सदस्यों द्वारा केंद्रीय परिषद की बैठकों में यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति के विकास और सुझावों को लेकर कार्य किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति को लोग बढ़ चढ़कर अपनाएं। यह चुनाव प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर आयुष विभाग में कराया जा रहा है। गोरखपुर जिले में आयुष विभाग में 1558 सदस्यों का रजिस्ट्रेशन है, जो इस मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। इस चुनाव के बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने बताया, सदस्य पद का चुनाव चल रहा है और इसके लिए जो आयुष की बिल्डिंग है वहीं पे मतदान कक्ष बनाया गया है और जो डॉक्टर साहब हैं होम्योपैथिक के, वो इसके चुनाव अधिकारी हैं। मुझे नोडल नामित किया गया है। कल इसकी मीटिंग हम लोग कर लिए थे और चुनाव शांतिपूर्वक हो रहा है और इस पर जो है हम लोग प्रॉपर नज़र बनाए हुए हैं और इस पर जो है इस चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। फोर्स लगी हुई है, फोर्स पर्याप्त है, हालांकि कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।